लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर से धुंध छा गई। धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शन बंद कर दिए गए। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां, M3 फैसपुर से समंदरी तक, M11 महमूद बोटी से समरियाल तक बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर भी शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर एयरपोर्ट पर भी फजाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। हुकूमत का जाना महीनों या हफ्तों का नहीं दिनों की बात रहेगी, प्लान जल्द सामने आएगा, नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का दावा। बोली नून लीग आजमाइशों के बावजूद डटी रही, चार रहनुमाओं की डील की अफवाहें ना भुलाए, नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। हुकूमती अरकान अपनी ही क्यादत के खिलाफ बोल रहे हैं। मरियम नवाज की बातों पर अब बच्चे भी हंसते हैं। अपोजिशन यही समझती रही शायद 6 महीने बाद हुकूमत की राह देंगे। 4 साल गुजर गए, अगले 5-6 साल भी गुजर जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू, अपोजिशन की आदत इस्लाहात के लिए हुकूमत के साथ बैठे, चेयरमैन नैब की तकरर पर भी अपोजिशन से मुशावरत चाहते हैं। सेनेट में भी स्टेट बैंक बिल जल्द मंजूर होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जमहूरी हथियार इस्तेमाल करेंगे, PDM इस्तीफे का छोड़े, 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के हाथ बांध कर अवाम दुश्मन बजट मंजूर करवाया। मुल्क में तारीखी गुर्बत आएगी, वादा करके भी सोलर पैनल पर टैक्स नहीं हटाया गया। PTI को अवामी मुफाद में IMF के मुआदे से निकलना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी आज रूस का अहम दौरा करेंगे। ईरानी सदर रूसी हमनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान $10 अरब के दफाई माहदों का इम्कान। ईरान रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम 35SE जंगी तैयारे खरीदेगा। तुर्की और सर्बिया बोस्निया के बहरान पर मुजाकरात के लिए रजामंद। सर्बिया के सदर का इंतखाबात में बोस्निया के तमाम फरीकीन को शामिल करने पर इत्तफाक। सर्बिया के सदर ने तुर्की के दौरे पर तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात की। तुर्क सदर का कहना था बोस्निया की इलाकाई सालमियत को खतरे में न डाला जाए। और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी वीडियो गेमिंग कंपनी खरीदने की तैयारी। एक्टिविजन ब्लिज़र्ड कंपनी खरीदने के लिए $69 अरब का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी गेमिंग कंपनी वजूद में आएगी। माइक्रोसॉफ्ट को हरीफ सोनी कॉरपोरेशन के प्ले स्टेशन का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। एयरलाइंस की धमकी काम कर गई, अमरीकी एयरपोर्ट्स पर 5G सर्विस की फराहमी मुलतवी कर दी गई। अमरीकी मोबाइल फोन कंपनियों का बड़ा एयरपोर्ट्स पर सर्विस की फराहमी रोकने पर इत्तफाक। अमरीकी एयरलाइंस ने तैयारों के नेविगेशन सिस्टम में खराबी का खदशा जाहिर किया था। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 7 साल की बुलंदतरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल $1.35 इजाफे से $87.83 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल में $1.94 का इजाफा, कीमत $85.07 फी बैरल होगी। रवां साल तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक जाने का इम्कान। सोना $2.30 की कमी से $1,814.20 का फी उंस हो गया। चांदी $0.68 इजाफे से $23.06 फी उंस हो गया। अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, डाउ जोन्स इंडेक्स में 542.42 पॉइंट्स की कमी 35,369 पर बंद हुआ। नेस्टेक कंपोज इंडेक्स 386.86 पॉइंट्स गिर गया 35,369 पर बंद। आलमी मार्केट में क्रिप्टो करेंसियों की कदर में 2% कमी, बिटकॉइन की कीमत 1.20% कमी से $42,290 रही। एथेरियम की कीमत 2.55% कमी से $3,196 बढ़ा। FIA साइबर क्राइम का क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी का काम करने वालों के खिलाफ एक्शन, 100 के करीब वेबसाइट्स बंद करने का फैसला। PTI को खत लिख दिया। FIA साइबर क्राइम का कहना है क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग का आलाक है। मुल्क में नई तारीख रकम, सारा गिल पाकिस्तान की पहली ख्वाजासरा डॉक्टर बन गई। सारा गिल ने चुनाव मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से डिग्री मुकम्मल कर दी। सारा गिल का कहना है कि पहली ख्वाजासरा डॉक्टर बनने पर फख्र है, अपनी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगी।
और पाकिस्तान सुपर लीग 7 के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। मैच रेफरी रिचन मधुबाले पहली मर्तबा पीएसएल में जिम्मेदारियां निभाएंगे। रोशन महनामना भी पीएसएल में मैच रेफरी की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। अंपायर्स में हलीम डार, एकिंगवर्थ, एहसन रजा, माइकल गिफ और शोजब रजा शामिल। पीएसएल का 7वां एडिशन 27 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा।